नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी ट्रे सजाकर दिखाने वाली हूँ और वो साइज आपका देखिए करीब 1 फुट से भी ज़्यादा है इसका डायमीटर। और ये बड़ी ट्रे जो मैं आपके सामने सजाऊंगी और दिखाऊंगी आपको रियली बहुत खूबसूरत लगेगी और आप भी कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मैं 5 टिप्स ऐसी दूंगी कि इसे हम मेंटेन कैसे करें। तो स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल मीनाक्षी वाटिका में।
अब हम अपनी ट्रे को मेंटेन रखने के लिए कुछ खास टिप्स। तो पहली ये कि हम जब भी प्लांट्स लें तो वो एक ही ग्रुप के होने चाहिए, यानी अगर हम ट्रॉपिकल प्लांट लगा रहे हैं तो सारे प्लांट्स ट्रॉपिकल ही हों, क्योंकि उनकी सॉइल सेम तैयार होगी और उनको कंडीशन भी सेम मिलेगी। तो इसलिए सारे प्लांट्स ट्रॉपिकल ही हैं। यदि हम सकुलेंट्स लेते हैं तो सारे सकुलेंट्स ही लेंगे, सबकी कंडीशन सबकी हैबिट अलग अलग होती है। तो इस तरह से हमने ट्रॉपिकल प्लांट्स लिए हैं, इनकी इसकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, और इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और सेंट के साथ गार्डन सॉइल ली है मैंने। तो इसी तरह से इसमें हम पानी जो है हमेशा स्प्रे से दें। सनलाइट के लिए हम इसको पार्शली सनलाइट दें, यानी हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें। यदि हम इंडोर रखते हैं तो हम इसको विंडो पर रखें जहाँ धूप आती रहे, ब्राइट लाइट मिलती रहे। और यदि हम अपने गार्डन में रखते हैं, जैसे यहाँ मैंने टेरेस गार्डन में रखा हुआ है, तब इसको शेड में रखें और इसमें इनडायरेक्ट सनलाइट ब्राइट लाइट इसे मिलती रहे। बिल्कुल ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट इसे अगर मिलेगी तो प्लांट्स जल सकते हैं। अपकमिंग आने वाले मार्च अप्रैल में और आगे मई जून में गर्मी बहुत होने वाली है, तो इसलिए हमें इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं देनी है। तो इस तरह से हम जो है अपने टिप्स फॉलो करेंगे तो हमारा ये ट्रे आगे लंबे समय तक मेंटेन रहेगी। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार।